स्टारिस्टिक टैलेंट, एक नहीं 1000 वीडियो डालेंगे और आप सीखते रहें, हम सिखाते रहें। तो जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि दो तरीका से आपको मूविंग करना है एक कलाई की एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज करना बिल्कुल जरूरी है, क्यों जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम दो वीडियो में बचा चुके हैं दो तरीके से, और दोनों तरीके हर मूव के लिए कंप्लीट होता है। तो चलिए हम वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं और तीसरा स्टेप आपके सामने। हम आप लोगों को दोनों वीडियो में ये बताए थे पहले वाले वीडियो में कि आपको ये मूविंग करना है, ये वाला और ऐसे ये। मैं आशा करता हूँ आप लोग एक्सरसाइज करके इसको कंप्लीट कर चुके होंगे, या नहीं ये होंगे तो भी आप पिछले वीडियो में जा करके देखिए, उसको समझिए, समझना बिल्कुल जरूरी है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बहुत समझ में आएगा जब इस ट्रिक को आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, और आपके बीच में ये चीज कंप्लीट चालू हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको क्यों बताया था। तो हमने ये दूसरा, पहले वाला ये बताया था और दूसरा वाला ये बताया था, ये दोनों जो है काफी महत्वपूर्ण है। अब इस चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक ट्रिक पेश कर रहा है, जो कि हमारा एक कोई भी स्टिक हो, आप लाठी हो या पाइप हो या कोई भी, सब एक ही तरीके से। तो आप एक काम करो, आपने ऐसे ऐसे सीख लिया है, ऐसे भी सीख लिया है और ऐसे भी मैंने बताया था दोनों हाथों से ऐसे। अब ये सीख लेने के बाद जो आगे का स्टेज वो आपको देखिए, ये सब कलाई के लिए होता है। ये जब आप सीख लेंगे तो हर तरीके आप अपने मर्जी के हिसाब से किसी तरह आप घुमा सकते हैं, आप डिजाइन निकाल सकते हैं, या अपने दिमाग से कोई भी स्टेज को पूरा कर सकते हैं, मतलब किसी तरीके से इसको घुमा सकते हैं जब ये खुल जाएगा। तो चलिए हम इसको अब आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा होगा, ध्यान दीजिएगा, और मेरे पास को कोई भी, मैं जो भी बता रहा हूँ एकदम स्पष्ट बताता हूँ, एकदम फ्रेश, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बच्चा है, चलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपके सामने। मैंने इसको बीच में जब से चैनल बनाया हूँ तब से हम बंद कर चुके थे, लेकिन जब ये चैनल बनाया हूँ तो फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया सीखना और सिखाना। तो मैंने इसको ऐसे सिखाया है जैसे मैं ये करता हूँ, जैसे हम वो स्टार्टिंग कर लिए सलामी के लिए ऐसे पेश करते हैं ना, ये इसको सिखा चुके हैं। आप वीडियो में देखे होंगे ये होता है एकदम राइट, ऐसे आता है ये सलामी, इसको ये ही आता है। बहुत बारी बारी से सब बताएंगे, लेकिन ये दूसरा वाला वीडियो है, इस पर ध्यान दीजिए ना, ये बाद में बात के लिए, लेकिन अभी पहले जो है ये आपको ऐसे सीख ये करना है। ये दोनों तो कर चुके हैं, अब तीसरा में जाइए। अब तीसरा स्टेज बहुत सारे वीडियो में बहुत लोग डाले हो गया है, लेकिन हम भी बता रहे हैं आप इसको ध्यान दीजिए। ये वाला है, अब ये हो गया थोड़ा सा, ये कष्ट वाला होगा, ये ऐसे बता दो, ऐसे ये होता है कि आपका और ज्यादा मुड़ने का जो है ये कलाई के साथ साथ पूरा मुड़ता है, ये स्टिक करने के लिए स्टिक को आप अपनाएंगे तो और ज्यादा बेहतर। ये हो गया, तो आप इसको ध्यान से देखिए, फिर एक बार ऐसे जाएगा, इस पर ध्यान देना है, इस पर भी ध्यान देना है। आप माइंड में कर आपको बता दिए कि आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, आप यहाँ रखिएगा, नहीं तो आप कैसा हो घुमाइएगा जाएगा भी, तो वैसे नहीं करना है आपको, ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल सीधा घूमता है, ऐसे पकड़िएगा, ऐसे पकड़ के बिल्कुल सीधा, और सीधा जा करके
ये जाएगा वो अपने आप पीछे चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे जाएगा और ऐसे बिल्कुल सीधा करना है, ऐसे सीधा ऐसे चलाए। इसी वही तो रेखा है सेम टू सेम जो बताता हूँ पिछले वाले वीडियो में कि इसका ध्यान रखना है, यही ट्रिक है। इसी को आपको यहाँ पर ध्यान देना है और यहीं पीछे जाए। तो आप एक दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, देखिए यही आएगा, यही जा रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा हल्का होगा आपने, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो ज्यादा निकाल सकते हैं। इसमें अन्यथा है, इसमें कोई वो नहीं, जितना चाहिए जितना आप सीखेंगे इसमें कला की, इस कला की वो बहुत सारा स्टिक है घुमाने के, बहुत तरीका है। आप लोग करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करें, कोई गलती नहीं हो जाए उसे तो आप बताएं, मैं उसको सुधार